सो गाइज आज है हमारा होली का फेस्टिवल। सो गाइज मैं पूछना चाहूंगा आप में से कितने बच्चों ने होली धमाकेदार होली खेला है और कपड़ा फाड़ होली खेला हुआ है, और कौन से ऐसे बच्चे भाई जो टेंथ में है वो बेचारे अपने पढ़ाई में लगे पड़े हुए हैं, और कौन से ऐसे बच्चे जो टेंथ में है फिर भी उन्होंने एक दो घंटा निकाल ही लिया है, और ट्वेल्थ के ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका एग्जाम खत्म हो गया उन्होंने तो भाई क्या बोलूँ। सो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में, और अगर जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रदीप सर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और गाइस एक कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन आता है। सो चलो मैं दिखाता हूँ मेरे घर में क्या चल रहा है। होली कैसा चल रहा है? हैप्पी होली, हैप्पी होली। आरू क्या कर रहा है? तारा रा रा पानी फेंक रहा है, तारा रा कर रहा है। अरे अरे ये होली है, पापा ये अपनी राम प्यारी से है, ये बाल में कुछ लगवाया क्या आपने? डाई लगवाया, ब्लैक करवा लिया आपने? सो गाइस फुल ब्लैक करवाया पापा ने। बताओ पापा कैसे लग रहे? कितना भीड़ है दारू की दुकान पे, ये देखो कितना दबा के भीड़ है वाइन शॉप पे भाई, इतना तो क्या बोलूं मैं, एकदम दबा के। क्या बात है। सो गाइस यहाँ प्री तैयारी हो रही है, देखो होली के स्पेशल लेक्चर के लिए किस तरह से तैयारी हो रही है आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ किसी को पगड़ी बांधने नहीं आती है, क्या बोलते हैं साफा बांधने नहीं आता, और यहाँ पाठक रैक्स पाठक कलर मिक्स करके ओंकार सर को लगा रहे हैं, जिससे होली वाली फीलिंग भी है और उस फीलिंग में स्टूडेंट लेक्चर भी है। होली सो गाइस बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आप टीचर क्यों बने और गिरी ट्यूटोरियल कब आया, कैसे आया, क्या हुआ, क्या इसके पीछे की क्या स्टोरी है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल गिरी ट्यूटोरियल 2006 से स्टार्ट हुआ, बट ये स्टोरी स्टार्ट हुई इसके पहले से। गिरी ट्यूटोरियल बनने की जो मजबूरी है वो स्टोरी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था एंड राहुल सर 4th स्टैंडर्ड में थे, तो उस समय जो हम मतलब जो हमारे पापा ने जो जॉब जिसका बहुत प्रैक्टिस किया था और जो कंटिन्यू वो अच्छा खासा उसमें करते थे और उसमें ही वो एक्सपर्ट थे। तो क्या हुआ अराउंड जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था एंड राहुल सर 4th स्टैंडर्ड में थे तो वो जॉब छूट गया और पापा ने वही प्रैक्टिस किया था वही जॉब, और जिसके कारण हमारे घर का अच्छा खासा खर्चा चलता था, मतलब अच्छा खासा था, सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, स्कूल का फीस सब कुछ, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से, घर का मतलब हम लोग बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उस समय की कंडीशन में मैं उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी बोलता हूँ। बट गाइज जब पापा का जॉब छूटा और पापा ने जो काम सीखा हुआ था वो काम ऐसा था कि उसके बाद वो काम कहीं, वो मशीन कहीं था ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में, कहीं एक दो जगह था तो बहुत दूर दूर था, कोल्हापुर यहाँ वहाँ जब भुईसर में रहते थे, तो पापा फिर भी पापा ने ट्राई किया बट फाइनली इतना दूर से आना जाना हो नहीं पा रहा था, जितना मतलब जितना पैसा अर्न हो रहा था वो सब खर्चा हो जा रहा था। फिर फाइनली पापा से ये चीज़ देखी नहीं जा रही थी कि मतलब मैं अपने बच्चों को इतने अच्छे से रखता था और अभी इतना प्रॉब्लम हो गया कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो अराउंड जब तक हम 8th स्टैंडर्ड पहुँचे तो पापा थोड़ा डिप्रेस होकर गांव चले गए थे, कि पापा को बहुत टेंशन आ रहा था ये चीज़ें देख के कि मैं अपने बच्चों को कितने अच्छी तरीके से रखता था और ऐसा हो गया। फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि अब मम्मी को ये टेंशन आता था, मम्मी मतलब जस्ट सबकी फीलिंग यही होती है कि जब आजू बाजू वाले लड़कों को देखती थी तो मम्मी को लगता था यार मेरे हमारे लड़के तो पढ़ने बहुत अच्छे हैं और हमारे पास तो अब कुछ पैसे भी नहीं, आगे इनको कैसे पढ़ाएंगे क्या करेंगे। सो मतलब मम्मी हमेशा टेंशन में रहती थी और 8th स्टैंडर्ड तक आते आते कंडीशन ऐसा हो गया था कि खाने का भी थोड़ा बहुत मतलब हाँ वो सब प्रॉब्लम हो चुका था। तो अब उतना सब चीज़ें मैं आप समझ सकते हो, वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर मेनली क्लास कैसे स्टार्ट हुआ, सो क्लास कोई स्टार्ट करने का कोई रीज़न नहीं था, सब ये मजबूरी थी। सो हमारे बाजू में एक पवन करके एक लड़का रहता था, तो मैं यहाँ से राहुल सर को दूंगा, राहुल सर एक्सप्लेन करेंगे। पवन, तो पवन करके एक बच्चा था हमारे बाजू में, जनरली उनके जो पेरेंट्स मतलब उनके जो पप्पा थे वो काफ़ी अच्छा हमारे बहुत ही क्लोज थे, और हमारा जो एकेडमिक था बहुत ही अच्छा था प्रदीप सर और मेरा,
पूरे एरिए में सब जगह हमारा अच्छा नाम था क्योंकि हम ऑलरेडी स्कूल के टॉपर्स थे, तो आजू बाजू में पता था। तो वो बच्चा कहीं ट्यूशन जाता था तो वो बोले कि राहुल और प्रदीप एक काम करो, इसे आप ही पढ़ाओ। तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोचा कि नहीं, हमारे पढ़ाई पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ये होगा, क्योंकि हम लोग एक टॉपर्स थे तो थोड़ा सोचना पड़ता था। पर फिर हमने स्टार्ट किया 25 नवंबर 2006, उस दिन से आई थिंक वहाँ से हमने स्टार्ट किया। ये गिरी ट्यूटोरियल्स की जर्नी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से वो बच्चा आना स्टार्ट हुआ। तो हमें अराउंड जो हमारी फर्स्ट सैलरी थी वो क्रिसमस के डेज अराउंड क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 2006 को मिला। उस टाइम पे मैं 6th क्लास में था। और अगर आप एक फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा ये फोटो अगर आप देखोगे तो ये जो फोटो दिख रहा होगा आपको, ये मेरा 7th क्लास का है। मतलब मैं 7th का है, 7th का मैं इससे भी छोटा था, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उससे भी छोटा था, तब से हम टीचिंग करते हैं। और फिर गिरी टूडल की ये जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे अब सर आगे का पार्ट बताएंगे आपको। सो गाइज, वहाँ से राहुल उस समय तक 6th स्टैंडर्ड में आ चुका था और मैं 8th स्टैंडर्ड, और घर का कंडीशन ख़राब हो चुका था पूरी तरह से। अब घर में मतलब एक हमारा रूम रेंट पे था, उसके थ्रू घर का थोड़ा बहुत खर्चा चलता था और घर का मतलब फीस, अब सब कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। फिर उसी के कारण जब पवन ये केस आया, तो पवन जब बाजू वालों ने, जब वो अंकल से हम पैसे नहीं ले रहे थे क्योंकि वो जो छोटा बच्चा था उसको हम बहुत मानते थे, तो हम घर में ऐसे अपने साथ पढ़ पर अंकल को इतनी खुशी हुई कि एक मतलब मेरे बच्चे को इतना सब कुछ आने लगा। तो फाइनली वो क्या मतलब कि उन्होंने क्या किया कि मुझे बुलाया था, मुझे बोला कि भाई ये आप 50 रुपये फीस लो। तो मैं जब 50 रुपये मैंने लिया, मैं राहुल को दिखाया, यार अपनी पहली कमाई है 20, अभी क्रिसमस के दिन मिला था हमें 2006 क्रिसमस के दिन हमें फर्स्ट पेमेंट मिला था। आज मेरे आंखों के सामने वो सीन क्रिएट हो रहा है जब मैं आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद ये चलती चली गई। इसके बाद जब मैं 9th में 8th में गया, 8th के आगे 3-4 महीने के बाद, मैं शॉकिंग चीज़ बताऊंगा, मैं 8th स्टैंडर्ड में था, राहुल 6th स्टैंडर्ड पर, हम उसी क्लास के बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते थे 8th स्टैंडर्ड क्लास को, मैं राहुल 6th स्टैंडर्ड क्लास में। 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता था, राहुल जिस क्लास में था उस क्लास के बच्चों, मतलब लोगों का इतना ट्रस्ट हमारे बिल्ड हो चुका था, इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका था कि जिस क्लास में मैं था उसी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। देन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आ रहा था जब मैं 12th में था और राहुल 10th में था, और उस समय भी एक बहुत बड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो गया था कि यहाँ बहुत सारे रूम टूट रहे थे, वो कभी और मैं क्लियर करूँगा। हमारी लाइफ में हर स्टेज में बहुत सारी चीज़ें हमने लड़ी है और तो हम यहाँ तक पहुँचे गए। तो चलो मैं ये गिरी ट्यूटोरियल से रिलेटेड ही चीज़ें बताता हूँ। देन 12th में और मैं राहुल 10th में था, क्योंकि राहुल भी क्लास का टॉपर था और मैं भी था, तो हम दोनों के लिए कि हम अपनी पढ़ाई मैनेज कैसे करें, क्योंकि अगर हम क्लास मैनेज नहीं करेंगे तो घर में पैसे नहीं होंगे, और घर में पैसे नहीं होंगे तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, और घर का खर्चा तो हमारा फीस सब कैसे होगा। तो हम क्या करते थे, 10 बजे तक हमारा क्लास, 11:30, 10:30 बजे रात तक, 10:30, 10:30 बजे तक हमारा क्लास चलता था, 11 बजे तक, कभी कभी 11 भी बज जाता था। और उसके बाद हम रात को पढ़ते थे, 4:30, 4:30 बजे तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते थे, देन 2 घंटा सो के फिर पैदल स्कूल जाते थे। ओके, सो गाइस, और बोला जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सोए ही नहीं है, और अभी तो हम आपके लिए जाग रहे हैं। फिर इसके बाद फिर ये स्टोरी चलती गई, फिर मेन प्रॉब्लम आ गया कि अब हमारा ड्रीम था 12th में मेरा कंप्लीट हुआ, राहुल का कंप्लीट हुआ, राहुल का 10th कंप्लीट हुआ, देन मेरा 12th कंप्लीट हुआ। अब प्रॉब्लम मेरा आ गया कि मेरी इंजीनियरिंग कैसे कंप्लीट होगी। तो ये वाली जो स्टोरी है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, बस इस समय मैंने ये बताया कि गिरी ट्यूटोरियल कैसे आया। सो गाइस, गिरी ट्यूटोरियल इसी तरह से आया, और गिरी ट्यूटोरियल आने के पीछे का रीज़न हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, और उसके कारण लोग हमें पसंद करने लगे बहुत ज़्यादा, और हमें इसमें बहुत प्यार एंड सपोर्ट। अब इस समय मैं बताना चाहूँगा, 10th का मेरा जो बैच पास आउट होगा ना, 13th बैच पास आउट होने वाला है, एंड 12th का 10th बैच, तो आप समझ सकते हो 12th का 10th बैच। सो गाइस, आगे इंजीनियरिंग के टाइम का चीज मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, जो भी मुझे जब आप बोलोगे। तो पाठक, ये क्या करके बैठा है? ये जादू है सर। सो गाइस, फाइनली पूरे लेक्चर जो शेड्यूल करके अभी हम निकल रहे हैं, और सबके लिए होली था, अभी तक तो हमने कलर भी टच नहीं किया, बस ओंकार सर को रंग लगाया था। और तो गाल में क्या है? अरे होली खेला था। ये यार तू, ये तो काट रहा है यार। चले दो आदमी है ही हो, राहुल और प्रदीप, हमको खाने से मतलब है ना, 4 साल खाने से मतलब है, तभी बना के रखने का।
सो गाइस फाइनली ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। अभी भी आपको कंटिन्यू वीडियो आ रहा होगा क्योंकि हमने मैंने बोला ना कि होली हमारे लिए आज होली नहीं है, हमारे लिए होली जिस दिन बच्चों का एग्जाम खत्म होगा उस दिन होली होगा। मैंने मम्मी होली खेला था आज नहीं। आज मैंने होली खेला, थोड़ा भी कलर लगाया है नहीं, क्योंकि मैं दिन भर क्लास पे था और दिन भर हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, कुछ टॉपिक बचे थे तो हमने बोला भाई लगा दो आज दिन भर, क्योंकि आज ऑफलाइन बेस्ट तो है नहीं। सो गाइस बस अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहे, एक मोटिवेशन के कमेंट जरूर वीडियो में कमेंट जरूर करें गाइस, क्योंकि इससे मोटिवेशन आता है और मुझे पता है बहुत प्यार एंड सपोर्ट दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।